नमस्कार। हिमाचल अभी अभी के न्यूज रूम से मैं शांतनु शुक्ला, पेश हैं अभी तक के प्रमुख समाचार। सीएम जयराम ने कैबिनेट में दिया अंशकालिक जलवाहकों को तोहफा, 300 रुपए बढ़ाया मानदेय। प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष और स्कूलों में जमा एक कक्षा में दाखिलों को 13 जुलाई के बाद शुरू करने को दी मंजूरी। सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स ड्राफ्ट पॉलिसी को मंजूरी, 7852 बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल में कोरोना ने आज अभी तक 3 नए मामले, 6 जिलों में 18 लोग हुए ठीक। सरकार ने 4 HPAS को किया इधर उधर, सीएम सिक्योरिटी से बदले सुशील कुमार, अब होंगे ASP शिमला। कुलदीप राठौर ने जयराम सरकार को पत्र लिखकर COVID-19 का खतरा टालने तक परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। रजनी ने लगाया आरोप, बोली बीजेपी शासित प्रदेशों में भी मनरेगा दिहाड़ी को लेकर हो रहा भेदभाव। इंदौरा में मंदिर तोड़ने पर गुस्साए लोग, सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन, माहौल तनावपूर्ण। डाढ़ में भारी भरकम पेड़ गिरा, चपेट में आए 3 लोग टांडा रेफर, दुकान व 4 कारों समेत 2 पहिया क्षतिग्रस्त। हिमाचल में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा, 7 जिलों में अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में पदों को भरने के अलावा कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम जनता के लिए कई अहम फैसले किए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य सरकार के प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग में तैनात अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को 2400 रुपए से बढ़ाकर 2700 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। इनके मानदेय में 300 रुपए की वृद्धि की गई है। कैबिनेट ने शिमला में लोक निर्माण विभाग में नया बागवानी प्रभाग खोलने का निर्णय किया है। बागवानी के सभी मौजूदा उप प्रभागों को इस प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाएगा। यह नया बागवानी प्रभाग जैव इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से सड़क किनारे वृक्षारोपण और ढलान स्थिरता गतिविधियों को सुनिश्चित करके हरी सड़कों के निर्माण करने में मदद करेगा। जयराम कैबिनेट की बैठक में कॉलेजों में प्रथम वर्ष और स्कूलों में जमा एक कक्षा में दाखिलों को भी 13 जुलाई के बाद शुरू करने की मंजूरी दी गई है। हालांकि प्रदेश में शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा कॉलेजों में छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 अगस्त के बाद ली जाएगी। जयराम कैबिनेट की बैठक में UGC की गाइडलाइन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। शिक्षा विभाग और राज्य विश्वविद्यालय की तैयारियों को लेकर भी कैबिनेट में जानकारी दी गई। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सरकार ने 16 अगस्त के बाद परीक्षाएं लेने का निर्णय लिया है। जल्द ही इसकी डेट शीट जारी की जाएगी। विश्वविद्यालयों में PG की परीक्षाएं सितंबर में होगी। वहीं अगर कोई छात्र किसी कारण से तय परीक्षा केंद्र में नहीं पहुंच पाता है तो वह किसी भी परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे सकता है। अगर कोई छात्र परीक्षा में नहीं आ पाता है तो उसे परीक्षा देने का दोबारा चांस दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा में न आ पाने का कारण सही होना चाहिए। 13 जुलाई से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई दोबारा से शुरू की जाएगी। शिक्षकों को जरूरत के हिसाब से बुलाने का फैसला लिया गया है। सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती करने के लिए मसौदा नीति को मंजूरी दी गई है। सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स को भर्ती करने के लिए मसौदा नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत शुरुआत में 7852 पात्र बेरोजगार उम्मीदवारों को स्थानीय स्तर पर मानदेय अर्जित करने का अवसर प्रदान करेगा। इन श्रमिकों को एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए 31.25 रुपए प्रति घंटे मिलेंगे। कैबिनेट ने मासिक लोकतंत्र प्रहरी सम्मान प्रदान करने का निर्णय किया है। इसमें आंतरिक सुरक्षा अधिनियम और भारत सरकार के रक्षा नियमों के तहत उन व्यक्तियों को प्रतिमाह 8000 रुपए मिलेंगे जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच आपातकाल के दौरान 1 से 15 दिन तक जेल में रहे थे। इसके अलावा 15 दिन या इससे अधिक समय तक जेल में रहने वाले को 12000 प्रतिमाह मिलेंगे। कैबिनेट ने मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र के बाग सियाड़ में एक प्रशिक्षण अकादमी केंद्र स्थापित करने के लिए सहमति दी। यहां उन युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा जो भारतीय सेना, नौसेना व वायुसेना और अन्य अर्धसैनिक बलों में शामिल होकर देश की सेवा करने के इच्छुक हैं।
हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 18 लोग ठीक हुए हैं। कांगड़ा, चंबा और कुल्लू से एक एक मामला सामने आया है। ऊना के 6, हमीरपुर और कांगड़ा के 4-4, मंडी के 2, लाहौल स्पीति व सोलन का एक एक कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ है। इसके साथ ही हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 1143 हो गया है। अभी 268 एक्टिव केस हैं, अब तक 855 लोग ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में 9 की मृत्यु हुई है। हिमाचल में आज अब तक 1564 सैंपल जांच को आए हैं, इसमें 848 निगेटिव रहे हैं, वहीं 714 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल में 2 पॉजिटिव मामले मिले हैं, वहीं एक मामला कल के पेंडिंग सैंपल से है। जयराम सरकार ने 4 HPAS को इधर उधर किया है। इनमें पहले से अंडर ट्रांसफर चल रहे 2 पुलिस अधिकारियों को नई तैनाती दी है। इसके बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। ASP CM सिक्योरिटी से ASP सिरमौर के लिए अंडर ट्रांसफर चल रहे सुशील कुमार को ASP शिमला लगाया है। ASP शिमला मनमोहन सिंह को ASP इंटेलिजेंस CID शिमला अगेंस्ट द पोस्ट DSP इंटेलिजेंस CID शिमला लगाया है। ASP मंडी को ASP पहली RBN बनगढ़ ऊना के लिए अंडर ट्रांसफर चल रहे पुनीत रघु को अब ASP तीसरी बटालियन पंडोह मंडी में तैनाती दी है। ASP छठी बटालियन धौला कुआं बबिता राणा को ASP सिरमौर लगाया गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार से चालू सत्र में शिक्षण संस्थानों में किसी भी कक्षा की कोई भी परीक्षा आयोजित न कराने को कहा है। उन्होंने कहा है कि देश प्रदेश में कोविड-19 के चलते किसी भी प्रकार की परीक्षा छात्रों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है, इसलिए छात्रों का ऑनलाइन आकलन कर उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट कर बिठाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि सभी प्रकार की परीक्षाएं तब तक रद्द कर दी जानी चाहिए जब तक देश प्रदेश में कोविड-19 का खतरा पूरी तरह टल नहीं जाता। राठौर ने सीएम जयराम ठाकुर को इस संदर्भ में आज एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि देश के कुछ भागों में शिक्षण संस्थान छात्रों की परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं, जो छात्रों के स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है और उनके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। उनका कहना है कि कोविड-19 के चलते अनलॉक के दूसरे चरण में दुनिया के कई देशों में इस सत्र की परीक्षाएं रद्द कर उनके आकलन से उन्हें आगे की कक्षाओं में प्रमोट किया है, प्रदेश में भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने मनरेगा दिहाड़ी को लेकर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में मनरेगा के सबसे कम 198 रुपए दिहाड़ी दी जाती है, जबकि कुछ पड़ोसी राज्यों व BJP शासित राज्य हरियाणा में 309, गुजरात में 224, यूपी में 201, उत्तराखंड में 201, पंजाब में 263, J&K में 204 व लद्दाख में 204 रुपए दिहाड़ी दी जा रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि BJP शासित प्रदेशों में भी मनरेगा की दिहाड़ी में भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी व आर्थिक संकट की दोहरी मार झेल रहे प्रदेश के बेरोजगारों व कामगारों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। लॉकडाउन के दौरान नौकरियां गंवाकर देश के करोड़ों व प्रदेश के लाखों जवान गांव में लौट चुके हैं। इस वर्ग को रोजगार देने के लिए संकट के इस दौर में मनरेगा योजना सबसे कारगर साबित हो रही है, लेकिन प्रदेश सरकार बेरोजगारों व कामगारों को मनरेगा जैसी कारगर योजना के माध्यम से पूरी राहत नहीं दे पा रही है।
हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा स्थित इंदौरा उपमंडल की पंचायत कुरसा में शरारती तत्वों ने एक मंदिर तोड़ दिया है। विरोध स्वरूप लोग सड़कों पर उतर आए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके चलते पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने समुदाय विशेष पर मंदिर तोड़ने व वहां गोबर व कचरा फेंकने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है। कुरसा पंचायत में चारागाह में सुरेंद्र सिंह ने छोटा सा मंदिर बनाया था, जहां वह हर रोज पूजा अर्चना करते थे, लेकिन शुक्रवार सुबह पाया गया कि जिस स्थल पर मंदिर था वह अब वहां से गायब है। मंदिर के स्थान पर कुछ कचरा व गोबर पड़ा था। गुस्साए लोगों का आरोप है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने गोबर फेंक दिया है और मंदिर को तोड़ दिया है। इस कारण से दोनों ही तरफ के लोग उग्र हो गए और तनाव पनप गया। मामले को गंभीरता से देखते हुए DSP नूरपुर साहिल अरोड़ा भी मौके पर पहुंच गए हैं। चामुंडा नंदिकेश्वर धाम मंदिर के समीप डाढ़ में शुक्रवार शाम भारी बारिश और तूफान के कारण एक विशाल काय पेड़ जमींदोज हो गया। पेड़ के गिरने से भारी नुकसान हुआ है। पेड़ के चपेट में आने से 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में टांडा मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है। पेड़ गिरने से 3 दुकानें, 4 कारें तथा 2 पहिया वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बिजली के कुछ पोल टूट जाने से समूचे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति पूर्णतः ठप हो गई है। हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम खराब हो सकता है। मौसम विभाग ने भारी बारिश तथा भूस्खलन का अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट 7 जिलों के लिए जारी किया गया है। इनमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले का नाम शामिल है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों में 65 से 115 मिलीमीटर बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अलावा शनिवार को इन 7 जिलों सहित बिलासपुर के लिए भी भारी अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले ट्रैफिक रूट की जानकारी हासिल करने की सलाह दी है। सरकार ने सभी DC को इस चेतावनी को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरतने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के लिए निर्देश दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि शुक्रवार से रविवार तक प्रदेश में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने से नुकसान भी हो सकता है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।